डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपने किसी भले इंसान को सुन लिया है धन में डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में बोलते हुए, और आप भी सोच रहे हैं कि आप उस भले इंसान की बात सुन करके धन में डीमैट अकाउंट बना लें, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि क्या आपको धन में अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारा कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ पर इस चैनल पर हम डीमैट अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे रिव्यू वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, इसके अलावा जो नए ब्रोकर्स आ रहे हैं धन के ऊपर भी हमने पहले एक वीडियो किया है, इसके अलावा फायर्स के ऊपर हमने वीडियो किया है, एम स्टॉक के ऊपर हमने डिटेल वीडियोस कर रखे हैं, हमने सारे रिव्यूज़ बताए हैं इन सारे ही स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, जहाँ पर हमने न सिर्फ इनके फ़ायदे बताए हैं बल्कि इनके पूरे नुकसान की एक पूरी लिस्ट भी शेयर करिए साथ में। तो गाइज अब बढ़ते हैं मेन कॉन्टेंट की तरफ, बात करते हैं कि धन के जो ऐप है, जो धन का डीमैट अकाउंट है, क्या आपको यहां पर अपना अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने पिछला वीडियो जो धन के ऊपर बनाया था वहां पर मैंने कंप्लीट रिव्यू दिया था, फायदे भी बताए थे, नुकसान भी आपको बताए थे धन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो धन के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आप एक बार चाहें तो फायदे वाली वीडियो का आपको लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जाकर के आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा, या मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बट यहां पर हम बात करने वाले हैं धन की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, कुछ ग्लिचेस के बारे में। अब गाइस ये जो ग्लिचेस हैं इनकी वजह से आपका जो फायदा है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो वो फायदा जो है आपका नुकसान में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा कि कैसे हमारे एक व्यूअर का, एक ऐप के, इस धन के ऐप के यूजर का नुकसान हुआ है इनके ऐप के ग्लिच की वजह से, तो वो भी हम जानेंगे, प्रूफ के साथ आपको सब बताऊंगा। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यहां पर धन को डिफेम करने का कोई मेरा कोई पर्पज नहीं है, मैं किसी ऐप को बदनाम करने के लिए, उनकी खराब मार्केटिंग करने के लिए ऐसा नहीं करता हूं। मैं आपको इसलिए फायदे और नुकसान इसीलिए बताता हूं ताकि आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन आप सही से ले पाएं। सारे फायदे तो आपको मार्केट में हर कोई बता रहा है, कई सारे पेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे YouTube पर जहां पर आपको लोग धन के और रिकमेंड कर रहे हैं, बट गाइज मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो व्यूअर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही ब्रोकर को सेलेक्ट कर पाएं। तो इसलिए गाइज अब बात करते हैं कि जो धन का जो डीमैट अकाउंट है, एक्चुअली गाइज मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था, यहां पर मिस्टर प्रवीण यादव जो है इसके फाउंडर हैं और पेटीएम मनी को छोड़ करके उन्होंने अपना ये धन का जो डीमैट अकाउंट है इसको स्टार्ट किया, धन के स्टॉक ब्रोकर को उन्होंने स्टार्ट किया। इसमें जो कंपनी है, कंपनी का नाम है रेज फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो इसके फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर प्रवीण यादव। अब इन्होंने क्या किया है कि ये एक ऐप लेकर के आए हैं धन के नाम से, एक स्टॉक ब्रोकर बनाया इन्होंने। अब यहां पर आपको जो ब्रोकरेजेस हैं वो इस तरीके से मिल जाते हैं, अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाती है, अकाउंट मेंटेनेंस आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है, ₹20 के फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने पड़ते हैं इक्विटी इंट्राडे में, और इक्विटी डिलीवरी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाती है, और विमेन ट्रेडर्स के लिए, जो विमेन यहाँ पर महिलाएं जो डीमैट अकाउंट बनाती हैं उनको 50% के ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पर वो अपनी ट्रेडिंग कर सकती हैं, यानी कि ₹20 अगर पुरुषों पर ₹20 लग रहा है तो महिलाओं पर सिर्फ ₹10 की ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई होती है। तो ये हो गया इसका फायदा, मेन फायदा इसका ये है, और इसी को प्रमोट कर रहे हैं बाकी लोग जो वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि धन में आप डीमैट अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ। तो गाइस यहां पर मैं आपको डिसएडवांटेज बताने वाला हूं धन ऐप की, और मैं मेनली तीन डिसएडवांटेज बताने वाला हूं, तीन इसकी डिसएडवांटेज बताऊंगा और तीनों प्रूफ के साथ आपको देने वाला हूं, कमेंट्स पढ़ करके बताने वाला हूं। तो पहला जो कमेंट मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं वो है संपूर्ण गुप्ता का, ये बताते हैं कि इनका जो इन्होंने 5 स्टार की रेटिंग दी, एक्चुअली इस ऐप को उन्होंने 5 स्टार की रेटिंग दी है प्ले स्टोर पर, और उसके बावजूद भी इन्होंने कहा है कि इस ऐप में जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इनके जो चार्ट्स हैं, चार्ट्स को ही इन्होंने बताया है कि जब चार्ट्स पे जब आप चार्ट्स से ऑर्डर करते हैं, एक्चुअली इन्होंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स को काफी डिफॉल्ट बना रखा है, इनबिल्ट ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा फीचर है, लेकिन वहां पर ऑर्डर प्लेस करने में कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। गाइज मैंने जो ये जो प्रूफ्स और जो कमेंट्स में बता रहा हूं आपको, ये जनरल कमेंट्स है, यानी कि एक ही पॉइंट पर जिन लोगों ने 10 से ज्यादा बार कमेंट कर रखा है उन्हीं कमेंट्स को, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो जनरली ये प्रॉब्लम आ रही है धन के डीमैट अकाउंट के ऐप को यूज़ करते टाइम, कि जब आप चार्ट से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेट हो जाता है, लैग हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ये संपूर्ण गुप्ता भी कह रहे हैं कि चार्ट जो हैं उनमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। 5 स्टार रेटिंग देने के बावजूद भी इन्होंने इंप्रूवमेंट की गुंजाइश
सच बताइए। अभी आगे तो हम वन स्टार कमेंट की भी बात करने वाले हैं। इसके बाद मिस्टर सूरज चितादे हैं जो कहते हैं उन्होंने 4 स्टार की रेटिंग दी है। वो ये बताते हैं कि फ्रेम रेट जो है इस ऐप का वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। फ्रेम रेट ड्रॉप होने का मतलब है वही कुल मिला करके जो ऐप है वो लैग करता है, बहुत ज़्यादा लैग्स हैं, बहुत ज़्यादा बग्स हैं इस ऐप के अंदर और बहुत अभी इसमें अपडेट होना, बहुत सुधार होना बाकी है। अब जो लास्ट फाइनल कॉमेंट मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताने वाला हूँ वो है मिस्टर मोहम्मद नदीम का। मोहम्मद नदीम कहते हैं कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इस ऐप को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, इस ऐप को यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा बताते हैं कि ऑर्डर प्लेसिंग जो है इस ऐप पर बहुत स्लो है, बहुत धीरे है ऑर्डर प्लेसिंग। इन्होंने खुद ट्रेडिंग करी थी और इन्होंने निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी थी और ये बताते हैं कि उनको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ लेकिन ऐप में ग्लिच आ गया। ग्लिच आने की वजह से इनके जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट था वो 1,500 रुपये के लॉस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये अपने ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, यानी कि जो ऑप्शन इन्होंने खरीदे थे उसको ये बेच ही नहीं पाए। और जब तक इनका ऐप हैंग रहा इनकी जो पोजीशन थी वो प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गई थी और लॉस में आखिरकार जब ये पहुंचे, जब इनका ऐप चालू हुआ तो ये 1,500 रुपये के लॉस में पहुंच चुके थे। और ये भी लिख रहे हैं अपने कॉमेंट में कि अगर मेरी क्वान्टिटी ज़्यादा होती, मैंने तो सिर्फ 2 ही लॉट्स खरीदे थे, अगर मेरी क्वान्टिटी और ज़्यादा होती तो मेरा जो लॉस है वो कितना ह्यूज हो सकता था, कितना भयंकर हो सकता था। तो गाइज मैं बता दूँ कि जनरली जो लोग हैं मार्केट में इसे ट्रेडिंग के लिए इस ऐप को रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन गाइज आप जानते हैं कि जब ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट जो है वो कितनी जल्दी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए गाइज मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि अभी धन का जो ऐप है बग्स हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, आप खुद जाकर के प्ले स्टोर पर कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत स्लो है, ऐप में बग है, इसलिए मैं इस ऐप को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से आप कहीं डीमैट अकाउंट बना लो, आपकी इच्छा है वहाँ पर आप डीमैट अकाउंट बनाइए। मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए, मैंने एक सीरीज़ बनाई कम्प्लीटली जिसमें बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके लिए कौन सा ऐप बेस्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है। तो मैंने कंप्लीट एक रिव्यू वीडियोस की सीरीज बनाई है जहां पर मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऐप सजेस्ट किए हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो जाकर के आप वॉच कीजिएगा। अभी फिलहाल मैंने कुछ अपने फेवरेट ब्रोकर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जाकर के देखिए, अगर इच्छा हो तो वहां पर डीमैट अकाउंट बनाइए। बस प्लीज अभी धन में मत बनाइए क्योंकि ऐप नया है, आपका नुकसान हो सकता है जो मैं नहीं चाहता हूं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है mycompany057 और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।